हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले में वीडियो में 7 तक हमने क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो बहुत ही ईजी है, ये भी सेम वही काम आपको करना है कि पहले बताना है ये आपका होमोजेनस इक्वेशन है या नहीं है, फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसेस जैसा कि हम ऑलरेडी करते आए हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको आपको जो है इसका एफ लैमडा एक्स और एफ लैमडा एक्स कॉमा लैमडा वाई को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका डी वाई डी एक्स निकालना पड़ता है ना, डी वाई डी एक्स। ओके, तो आप देख रहे हो साफ साफ आपके पास यहाँ पर एक ही डी वाई डी एक्स है, यानी कि हमें बाकी सारे टर्म को क्या करना पड़ेगा, इस तरह भेजना पड़ेगा। चलो ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, बहुत ईजी से ये कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो, बहुत ईजी है। देखो क्या हो जाएगा, हमने कहा कि ऐसा करते सर, इस एक्स डी वाई डी एक्स को यहीं पर छोड़ देते हैं और बाकी सभी को उधर भेज देते। देखो जब ये इधर वाई जब इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, प्लस में जाएगा, ये वाई इधर प्लस में जाएगा ना, और ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो माइनस का एक्स और साइन वाई अपॉन एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें डी वाई डी एक्स को यहीं पर छोड़ देना, तो डी वाई डी एक्स को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, डी वाई डी एक्स हमने यहीं छोड़ दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये इधर इधर जाएगा तो पूरे के अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स वाई माइनस एक्स साइन, और ये हो जाएगा वाई वाई एक्स, बोलो होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो एक्स आ जाएगा, हो गया। अब हम इसको मान लेते थे, लेट कर लेते थे, लेट कर लिया जाए क्या, कि हमारा ये जो डी वाई डी एक्स है ना, दैट मीन्स ये जो है हम इसको मान लेते थे क्या समथिंग कुछ एफ एक्स कॉमा वाई करके मानते थे। तो लेट मान लेते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई जो है अब वो हो गया हमारे इसके इक्वल, दैट मीन्स वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स, ये बात क्लियर है। अच्छा अब क्या करते थे, ये हमारा जो है होता हो जाता था, या फिर हम इसे मान लेते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते थे। फिर हम क्या करते थे, हम यहाँ पर जो है अब इस एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह क्या करते थे, पूरे फंक्शन में एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रख देते थे। सो इसलिए देखो क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, देखो वाई की जगह क्या रख देना है, लैम्डा वाई, माइनस एक्स की जगह क्या रख देना है, लैम्डा एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन, और ये आपके पास हो गया देखो कितना, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स अपॉन ये एक्स की जगह हो जाएगा लैम्डा एक्स। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब देखो ध्यान से बात समझना, हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे इस बोर्ड के बहुत सारे फंक्शन है बट हमें पता नहीं है, बस धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें पता चली ना, वैसे वैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव करें। देखो तो मतलब काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी क्या करते थे कि इसको मैं ऐसे स्लाइड कर देते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपको इतना छोटा ठीक दिख रहा होगा, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ना, कोई ज़्यादा तो बहुत दिक्कत तो नहीं आ रही देखने में, ठीक है ना। अब देखो तो हमने कहा कि सर हमारा ये जो, चलो यहीं पर कर लेते हैं, इस वाले टर्म को यहीं पर लिख लेते हैं, है ना। तो देखो अच्छा चलो नहीं जाने दो, यहाँ पर आ जाते हैं तो ज़्यादा हौज पर हो जाएगा। फिर एफ एक्स लैमडा एक्स कॉमा लैमडा वाई इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, लैमडा से यहाँ पे लैमडा कैंसिल आउट हो गया, लैमडा से बात समझो, यहाँ से हमने लैमडा और यहाँ से हमने लैमडा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो क्या बचेगा, ये आपके पास बचेगा वाई माइनस एक्स और साइन, ये आपके पास बचेगा, यहाँ से देखो लैमडा से लैमडा कैंसिल, तो क्या बचेगा वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और बाहर हमने क्या लगा दिया, बाहर हमने लगा दिया लैम्डा अपॉन में, यहाँ देखो लैम्डा एक्स है, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। अभी बस में तो देखो ये जो हमारी जो वैल्यू बची है, तो ये हमारे किसके इक्वल है, ये एफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस हमने ये बोल दिया कि हमारी ये जो एफ लैम्डा एक्स कॉमा जो लैम्डा वाई है वो इक्वल हो गई किसके, लैम्डा ज़ीरो दैट मीन्स वन और इंटू एफ एक्स कॉमा वाई के, बोलो ये बात समझ आई। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो गिवन जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। सो साफ साफ यहाँ पर लिख दो, सो क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस, इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन कंडीशन को फॉलो कर रही है। अब हमें इसे करना है सॉल्व, क्लियर है, वो हम इसे करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम मानते हैं क्या, लेट करते हैं क्या, देखो हमारी ये जो फर्स्ट से देखो हमारी डी वाई डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स तो हमने कहा था कि अगर जब डी वाई डी एक्स के हमें क्या मानना होता है, हमें मानना होता है वाई इज इक्वल टू वी एक्स मानना होता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या मानना होता है, वी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वी एक्स का हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिलेगा डी वाई डी एक्स, बोलो इज इक्वल टू, अगर हम v का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखो v का हमें डिफरेंशिएशन देखो क्या मिलेगा, हमें v का डिफरेंशिएशन मिलेगा क्या मिल जाएगा बताओ, v फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स वन, प्लस सेकेंड यानी कि x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स dv अपॉन dv बाई dx, यही तो मिलेगा। तो ये हमें फाइनली मिल गया, हमें dy dx की वैल्यू मिल गई। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, इस अपने इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू रखने वाले हैं, dy dx की वैल्यू रखने वाले हैं,
यहाँ पर कितनी, ये वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स और वाई की वैल्यू रखने वाले हैं वी एक्स। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में? चलो देखो, तो देख लेते हैं यहाँ से, इन चीज़ों को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। अब ये सही है थोड़ा सा, नहीं या फिर कुछ और चीज़ें देखो आपके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चलो इतनी बात समझ आई, तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू उठा करके देखो हम पुट करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो हमने कहा सर इसमें रख देते हैं, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ वी एंड, पुट वैल्यू ऑफ वी एंड किसकी, डी वाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दिया जाए। चलो देखो, तो देखो कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स की देखो हमें वैल्यू क्या रखनी है, डी वाई डी एक्स की हमें वैल्यू रखनी है वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, और कितना देखो वाई, वाई की जगह देखो हमें कितना रखना है, वाई की जगह हमें रखना है वी एक्स माइनस एक्स की जगह एक्स ही छोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स अपॉन, ये देखो कितना हो जाएगा एक्स, एक्स की एक्स ही छोड़ देते हैं यहाँ से, देखो एक्स और यहाँ से एक्स कॉमन हो गया, तो वी को हम ही छोड़ देते हैं, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर के इस वाले एक्स को इस पूरे वाले एक्स से कट कर देंगे, तो देखो क्या बचेगा वी माइनस साइन वाई बाई एक्स, ठीक है यही तो बचेगा केवल। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि अच्छा पहले यहाँ पर वी है, तो वी को सबसे पहले तो हम इधर भेज देते हैं, वी इधर जाएगा तो देखो कैसे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, आ रही बात समझ में, वी कैसे हो जाएगा बच्चे लोग माइनस में हो जाएगा ना, ध्यान समझना, वी कैसे हो जाएगा माइनस में, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, देखो अच्छा एक मिनट डायरेक्टली कट ही कर दो, क्या फ़ायदा है इधर भेजने से, कट ही कर देते हैं, तो क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा माइनस का साइन वाई बाई एक्स पूरा, ये तो बचेगा, तो ये हमारे पास माइनस का साइन वाई बाई एक्स बच गया। अब बात समझो, अब ये जो माइनस का साइन वाई बाई एक्स है और एक्स डी वी जो डी एक्स यहाँ पर हमारे पास जो बचा हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है एक्स वाले को हम एक तरफ रखते हैं और वाई वाले को हम एक तरफ रखेंगे, है ना। ओके एक मिनट, हमने यहाँ से तो वाई की वैल्यू नहीं रखी, एक मिनट चलो गड़बड़ हो गया वाई, एक मिनट जाओ 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 बोलो, यहाँ पे हम चलो वैल्यू रख देते हैं वाई की, वाई की वैल्यू हम रख देते हैं वी एक्स, ठीक है, तो वाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देना, आप बात समझो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, वाई की वैल्यू आप रख दो वी एक्स, ठीक है, तो ये वाई वाई है तो वाई की हमने जगह क्या रख दिया, मैंने रख दिया वी एक्स और अपॉन में एक्स, तो ये एक्स एक्स देखो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा साइन वी, बोलो अब ये सही है, अब ये सही है, बिल्कुल सही, तभी तो हम कहें वाई कैसे आ जा रहा था, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको जब करोगे ना उसको बात खुद आपको समझ, मतलब अगर कहीं गलती हो रही होगी ना तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा, अच्छा ये वाई कैसे आ गया, वाई तो बचना नहीं चाहिए था, तुमने वाई की वैल्यू रख दी, ठीक है वो मिस्टेक था छूट गया था मेरे से, कोई बात नहीं। अब क्या कर दो, इस साइन वी आई वी साइन वी को ले आओ इधर, दैट मीन्स देखो क्या हो गया कि आपके पास हो गया डी वी अपॉन साइन वी और इज इक्वल टू, इसको डी एक्स को इधर भेज दिया, डी एक्स अपॉन एक्स को इधर भेज दिया और ये लगा दिया माइनस में। अब क्या कर, अब क्या कर दिया जाए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्लियर है बात, क्या कर दिया जाए इंटीग्रेशन कर लिया जाए दोनों साइड का। चलो देखो क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से हम चीज़ों को थोड़ी सी मिटाते हैं, है ना, मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, चलो थोड़ा सा देखो मिटाते हैं, ज़्यादा नहीं हमारा इतने में काम जो है बन जाएगा। ओके देखो तो कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन, अच्छा इसको पहले ऐसा करते हैं कि अपॉन में साइन है, तो हम इसको अपॉन में अगर है तो इसको कॉस में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं, तो कितने मेरा हो जाएगा कोसेक, है ना, क्या हो जाएगा कोसेक वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, यही तो होगा। चलो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये लिख लिया जाए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ले लिया जाए, ये हो जाएगा आपके पास कोसेक वी डी वी इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं और डी एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा अब कोसेक वी का, कोसेक वी का हमारा डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता था, अगर फॉर्मूला याद है तो बड़ी अच्छी बात है, देखो क्या कर लेते हैं हम, लॉग होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस क्या होता था, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ना यानी कि दैट मीन्स कोसेक वी माइनस कॉट वी, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस का माइनस रहेगा वन अपॉन एक्स का, देखो कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स का हो जाएगा आपके पास ये लॉग एक्स, क्या हो जाएगा लॉग एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का लॉग सी, बोलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो है देखो इधर से लॉग को हम, ये हमारा लॉग प्लस, ठीक है,
ऐसा करते हैं, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, कोसेक वी माइनस कॉट वी, और इसको हम देखो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस एन, है ना। एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस है, ध्यान रखना क्या है, ये माइनस है ना, तो लॉग एम प्लस एन नहीं लगेगा, लॉग ये आपका एम हो गया माइनस, बात को समझो, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम, एम का मतलब सी, अपॉन एन का मतलब एक्स, ये फ़र्क होगा, ध्यान समझना, यहाँ पर बच्चे मोस्टली गलती करेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ये देखो लॉग से लॉग हमारा हो गया कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, आपके पास बचा कोसेक वी माइनस कॉट वी, और इज इक्वल टू आप इधर आपके पास बचा सी अपॉन एक्स। अच्छा, लेकिन आपका देखो होता क्या ना, जनरली हम लोग करते क्या है कि हमारा अगर क्वेश्चन अगर मान लो साइन में है, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कॉस और साइन में ही लाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी हमारे एक तरीके से आंसर हो सकता है, लेकिन मान लो अगर ऑप्शन लगा के चार ऑप्शन लगाने के लिए दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरली हमारा क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है, जैसे मान लो अगर कॉस साइन के फंक्शन में है, तो हम कोशिश करते हैं कि कॉस साइन के ही फंक्शन में रखें, क्लियर है। अब देखो तो हम क्या कर देते हैं, हम इस कोसेक को कन्वर्ट कर देते हैं, तो कोसेक को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, कोसेक हमारा कन्वर्ट होकर के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ को हम हटा दे रहे हैं, ये तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ये पहले वाला पार्ट था, समझ रहे हो ना, इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं रखोगे, चलो ठीक है। देखो हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बात कर लेते हैं, देखो यहाँ से बात कर रहे हैं, हमने कहा कोसेक है, तो कोसेक को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साइन में, ठीक है, तो ये देखो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन साइन वी, सॉरी वन अपॉन साइन वी, ये तो होगा वन अपॉन साइन वी माइनस, इस देखो इस कॉट वी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन, ठीक है, तो कॉस वी अपॉन साइन वी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा सी बाई एक्स, इसको एज इट इज अभी छोड़ दो, इसके साथ कोई भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखो v की वैल्यू तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, v की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, चलो रख देते हैं, कितना हो जाएगा देखो वन अपॉन साइन साइन है, अब v की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो v की वैल्यू हमने क्या मानी, हमने माना था ना y इज इक्वल टू वी एक्स माना था, तो v इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स, तो v की जगह हम क्या रख देते हैं y बाई एक्स, दैट मीन्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस वी, सॉरी माइनस माइनस आएगा, माइनस कॉस वी, कॉस वी, वी का मतलब सेम वही y बाई एक्स अपॉन साइन वी, साइन का मतलब वही y बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई एक्स, इसको एज इट इज छोड़ दो, देखो ये दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं वन माइनस कॉस वाई बाई एक्स अपॉन साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी बाई एक्स, यही तो होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये हमारा आंसर हो सकता है, बट इसको हम सूटेबल ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि x का हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और साइन हम साइन को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा x, यहाँ पे बाहर रख लो x को, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का cos y बाई एक्स, ठीक है, ये और इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा c sin, सही पहले से c sin और y बाई एक्स, ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है हमें, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अरे पास में तो यही हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है, लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख लोगे आप लोग, ये लिख लेना कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो ये लिखना ही पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे बस हमें स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, चलो ले लो जल्दी से ले लो, इस पूरे का बीच में से एक मैंने पार्ट जो है डिलीट कर दिया था, कोई बात नहीं, बहुत सारी इसके फंक्शन सीख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी कैसे क्या करना है। चलो तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है, ओके, नाउ बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, हमने ये क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो ये हमारा जो है 9th क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, हमें इसको वही हमें इसका पहले जो है चेक करना है कि हमारा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और उसके बाद फिर हमें इसको सॉल्व भी करना है। देखो सिंपल सी बात है, तो क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई डी एक्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो डी वाई डी एक्स, ओके, एक डी वाई यहाँ दिख रहा है, एक डी वाई यहाँ दिख रहा है, और एक डी एक्स यहाँ दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले हम देखो डी वाई वाले को ही छोड़ देते हैं, और बाकी सबको हम क्या कर देते हैं उस तरफ भेज देते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो ठीक, यहाँ पे dy, एक यहाँ dy है, तो
ऐसा करते हैं कि इस वाई डी एक्स को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, बाकी सबको इधर छोड़ दो। तो ये देखो कितना हो जाएगा, एक्स लॉग और वाई बाई एक्स डी वाई माइनस टू एक्स डी वाई और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डी वाई को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो डी वाई के साथ और भी कुछ कॉमन होगा क्या, और भी कुछ कॉमन होगा क्या, हो सकता है एक्स भी हो सकता है ना, एक्स भी हो सकता है, लेकिन नहीं लेते, जाने दो। तो यहाँ से हम डी वाई ले लेते हैं कॉमन, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स लॉग वाई बाई एक्स और माइनस टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का वाई डी एक्स। अब देखो क्या किया जाए, ऐसा करते हैं कि इस डी एक्स को ले आते हैं इस तरफ, इस डी एक्स को ले आते हैं इस तरफ, इस पूरे को भेज देते हैं इसके अपॉन में, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो पहले से क्या पड़ा हुआ है, वाई माइनस का वाई पड़ा हुआ है, ये आएगा इधर तो अपॉन में आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ये बताओ ये बात समझ में आई, माइनस का टू एक्स, यही तो होगा। अगर यहाँ से आप माइनस हटाना चाहते हो तो क्या कर लो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, अगर ये माइनस हटाना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। मतलब कहने का क्या है सर, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बच्चे यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन हो गया यहाँ, तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा माइनस माइनस बाहर वाला कट जाएगा। तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा, देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ये हमारा हुआ फाइनल इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसे चेक करना है, आगे बात सुनिए, तो क्या आप इसे चेक कर सकते हो, कर लिया जाए चेक, चलो देखो। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स कॉमा वाई, क्या मान लेते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हमारे पास है वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ये मान लिया जाए। अच्छा सो क्या हो जाएगा, हम रख देते हैं एक्स की जगह, रख देते हैं लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, लैम्डा वाई अपॉन एक्स की जगह रख देते हैं लैम्डा एक्स माइनस एक्स की जगह रख देते हैं लैम्डा एक्स और लॉग वाई की जगह रख देते हैं लैम्डा वाई अपॉन, सॉरी वाई की जगह रख देते हैं लैम्डा एक्स ना, सॉरी लैम्डा एक्स और ठीक है, और इस एक्स की जगह एक्स ही छोड़ देते हैं। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से साफ साफ देख लो क्या हो गया, हमें हमें यहाँ से देखो क्या मिल गया, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, कितना आसानी है, तो मेरे ख्याल से बार बार अगले वाले में हम ये वाला पोर्शन शायद नहीं करेंगे, ठीक है, चलो देख लेंगे जैसा भी होगा, अगर डिफिकल्ट होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो आप लोग कर लेना। तो लैम्डा वाई यहाँ से आप जो है, यहाँ से लैम्डा और यहाँ से लैम्डा और यहाँ से आपने लैम्डा ले लिया कॉमन, तो देखो यहाँ से लैम्डा हो गया कॉमन और देखो कट गया, कट जाएगा आगे बात में, तो वाई अपॉन देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या बचा, एक्स बचा, तो एक्स माइनस यहाँ देखो क्या बचा, माइनस एक्स और ये क्या बचा, फिर लॉग वाई बाई एक्स, और देखो इस पूरे टर्म को हम लोग कह सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई, देखो लिख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा टर्म देखो हमारा क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई ही तो है, तो हम क्या लिखते हैं, सो हमें क्या दिए कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, देखो क्या आ गया, एफ एक्स कॉमा वाई और इंटू लैम्डा डैश, तो हमारा ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आप लिख लोगे सो करके, आगे बात समझ में, अब बात समझो, अपने इतना कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट, देखो हमारा हमने हमने बनाया क्या, हमने बनाया डी वाई डी एक्स, तो लेट करते हैं कि वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई सॉरी लेट करते हैं वाई इज इक्वल टू क्या है, वी इंटू एक्स, ये मानते हैं ना, लेट वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफिनेशन, तो एक्स का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में वन मिल जाएगा, प्लस सेकेंड यानी कि एक्स इंटू डी वी का, वी का करेंगे तो डी वी डी एक्स मिल जाएगा, बोलो इतना मिल जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो है वाई की वैल्यू हम क्या कर ले रहे हैं, हम यहाँ से कर ले रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ, बस अब इसके बाद यहाँ से खेल स्टार्ट, वैल्यू ऑफ वाई एंड डी वी डी एक्स, सॉरी डी वाई डी एक्स है ना, डी वाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में, हम लोग देखो क्या करने वाले हैं इस वाले इक्वेशन में, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो देखो अभी हमको पूरा स्क्रीनशॉट देखो, अभी हम आपको लिवा देते हैं देखो कैसे, ठीक है, तो इस वाले को यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझना,
तो हमने कहा कि रख देते हैं भाई डी वाई डी एक्स की जगह, देखो हमें कितना रखना है, डी वाई डी एक्स की जगह हमें रखना है, यहाँ पर देखो डी वाई डी एक्स की जगह हमें कितना रखना है, ये हमें रखना है वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, तो देखो कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से देख रहे हो है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा वी ठीक वी और प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या देखो वाई है, वाई की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, वाई की वैल्यू हमें रखनी है वी एक्स ठीक है, तो वाई की वैल्यू हम कितनी रख दे रहे हैं वी एक्स अपॉन एक्स की जगह एक्स छोड़ दो माइनस एक्स की जगह एक्स छोड़ दो, और ये हो जाएगा लॉग वाई की वैल्यू हमें रखते नहीं है वी एक्स अपॉन एक्स, ये तो होगा बोलो। यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से हम एक्स एक्स क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास ये बचेगा वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, वी एक्स को एज इट इज रहने दो, यहाँ से आप एक्स को बाहर कॉमन ले लो, वन माइनस लॉग क्या बचेगा वी एक्स, अच्छा एक मिनट ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास लॉग वी ठीक है, ये केवल बचेगा ना इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ऐसा करते हैं इस एक्स से इस एक्स को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो देखो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वन माइनस लॉग वी। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि हमें इस वी को इधर पहले भेजना है ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं हम इस वी को इस साइड भेज देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये बचेगा क्या आपके पास बचेगा देखो आपके पास बचेगा वी सॉरी एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी और अपॉन वन माइनस लॉग वी ठीक है, और माइनस का वी, यही तो होगा है ना। अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा है कि नहीं भाई, तो एक मिनट और कोई तरीका हो सकता है क्या, एक मिनट रुक जाओ, मान लो वी वी ठीक है, माइनस माइनस वी होगा ना इधर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का वी लॉग वी हो जाएगा, ओके ओके थोड़ा सा कहीं आगे जाके गड़बड़ हो जाएगा ये फिर। एक मिनट रुक जाओ चलो, देखो एक माइनर हमने मिस्टेक किया है ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2x था ना, तो यहाँ पर हमने 2x गलती की वजह से हमने छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर आपके पास होगा 2 ठीक है, चलो मेंशन कर लो सब जगह 2, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मेंशन कर लो कि आपका हो जाएगा 2 लैम्डा x हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर सही कर लेना ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा 2 ठीक है, अब ये आपका अब ये जो है सेम है इस टाइप से सेम है ये, फिर यहाँ पर जब हम आएंगे, हम जब वैल्यू को जब हमने जब पुट किया था ना, और ध्यान से मेरी बात समझो, तो यहाँ पर भी देखो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्लियर है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा 1 की जगह, हाँ अब ये गड़बड़ सही हो गया ठीक है, अब ये सही हो गया क्लियर है बात, ये हो जाएगा ठीक है ना, ये थोड़ा सा हमने जो है काम गड़बड़ कर दिया था ठीक है। चलो अब देखो तो यहाँ पर 2 हो गया, कितना हो गया, चलो हम यहाँ पे आज पाँच होने से अच्छा है कि एक बार हम इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं कितना 2 ठीक है, फिर हम यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर भी देखो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्लियर है ये बात। चलो अब क्या कर लेते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को एज इट इज रहने, तो इसका इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या कर लेते हैं इसको हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं 2 माइनस लॉग वी से मल्टीप्लाई करके, तो वी माइनस ध्यान समझना वी, अब देखो हमने जब इसमें जब हमने जब वी का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 वी हो जाएगा, माइनस का 2 वी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का वी लॉग वी, यही तो होगा बोलो, अपॉन 2 माइनस लॉग वी, ये सही है। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है कि डी वी डी वी के साथ वी वाला टर्म होना चाहिए और एक्स के साथ डी एक्स वाला टर्म होना चाहिए, यही तो होना चाहिए ठीक है, तो देखो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी वी माइनस 2 वी, दैट मीन्स माइनस वी आएगा, कितना आएगा माइनस का वी है ना, तो ओके प्रॉब्लम तो आगे नहीं होगी ना ठीक है, चलो कर लो भाई जो जैसे जैसे बराबर वैसे करते चलो ठीक है, तो माइनस का वी और प्लस का वी लॉग वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी, ये होगा,
अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस 2 माइनस लॉग पी को हम भेज देते हैं इस तरफ, ठीक है, 2 माइनस लॉग पी को भेज देते हैं इस तरफ, तो देखो कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पूरे टर्म को इस तरफ भेज रहे हैं और इस वाले पूरे टर्म को इस तरफ, क्योंकि ये सभी का हमारा वी वाला टर्म है। तो देखो ध्यान से बात समझो, हमने कहा डी वी इधर था और इस डी वी में हमने इधर भेज दिया, तो दैट मीन्स हमारा ये हो गया, तो पहले हम लिख लेते हैं 2 dv, है ना, इसको हम मिटा देते हैं और हम पहले लिख लेते हैं 2 dv, कितना हो गया, 2 माइनस का log v, ठीक है, और इनटू ये ब्रैकेट में रहेगा इनटू dv, और ये आ जाएगा अपॉन में, अपॉन बात को समझो, देखिए हम यहाँ पर प्लस वाले को हम पहले ले रहे हैं, दैट मीन्स v log v और माइनस का v, ये सही है, अच्छा इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो गया, ये dx क्या इस तरफ, तो dx अपॉन ये x आ गया अपॉन में, ये बात क्लियर है। अब क्या कर दिया जाए, अब देखो यहाँ पर dv है, यहाँ पर dx है, क्या कर दिया जाए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, ले लो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, चलो कर देते हैं भाई, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, 2 माइनस log v अपॉन v log v माइनस v और ये पूरा dv, सही है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ठीक है, ये भी हमने केवल इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया है केवल, है ना, और कुछ नहीं। अब देखो बात को ध्यान समझो, अब देखो इंटीग्रेशन किया कैसे जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है, कि यहाँ पर आप साफ साफ देखो देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास 2 माइनस लॉग वी है, ओके ओके, और ये v log माइनस वी है, तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे ना, हमें फिर बहुत बड़ा वाला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें नहीं डिवीजन वाला, नहीं 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 ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा सा रफ में या साइड में, चाहे जहाँ पे आपकी मर्जी, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर है 2 माइनस लॉग वी और v log v माइनस वी है, ठीक है, तो यहाँ से हम ज़्यादा से हम वी जो है यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ओके 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 ओके, देखो काम बन गया काम बन गया काम बन गया, पता है देखो कैसे, देखो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, केवल आपको हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है, देखो हम यहाँ पर, हमारे ये थोड़ा सा रफ वर्क है, हमारे पास हमने कहा सर मेरे पास ये था 2 माइनस, बात को ध्यान समझना, 2 माइनस लॉग वी और अपॉन, यहाँ से हम देखो वी को हम ले लेते हैं कॉमन, वी को ले लिया कॉमन, तो देखो क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा log v माइनस 1, बोलो। अब अगर हम समहाउ ऊपर भी अगर हम 1 माइनस log v अगर बना दें, बात को समझो, 1 माइनस अगर log v बना दें, तो क्या हमारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, बिल्कुल काम बन जाएगा, बन जाना चाहिए, है ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को हम लोग लिख दे रहे हैं, इस 2 को हम लोग लिख दे रहे हैं, इस 2 को हम लोग लिख दे रहे हैं 1 प्लस 1, बोलो लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, माइनस का लॉग वी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वही चीज़ तो है, अपॉन अपॉन अपॉन, ये देखो वी को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, और ये हमारा हो गया देखो कितना, log v माइनस 1, बोलो हो गया, बात बन गई, बात समझ में आ गई। अब देखो 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 1 माइनस log v है ना, बट डोंट वरी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर log v माइनस 1 है, कोई बात नहीं, हम चेंज कर सकते हैं, आगे बात सुनने, तो इसको हम एक साथ कर ले, बोलो इतनी बात समझ में आई, अगर हम इसको एक साथ कर लिया, अब देखो ये जस्ट हमारा वैसे ही है, a+b/ab, तो क्या करोगे आप, a/ab लिखोगे, +b/ab लिख सकते हैं क्या, इतना बता दो मेरे को, इतना लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, देखो a है ये b है, ये पूरा ये बीच में प्लस है ना, तो ये a/ab, समझ गए, और ये b/ab, आगे बात सुनिए कैसे कर दें, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/v, अब देखो फिर है प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस log v अपॉन 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 1/, सॉरी ये पूरा रहेगा, ये पूरा रहेगा, ठीक है, हमने जो आपको बताया ऊपर वाले के अकॉर्डिंग 1/ab ना, तो v और log v माइनस 1, और ये भी देखो कितना हो जाएगा, v into log v माइनस 1, ये बताओ, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ से ये कट सकता है, कट कैसे सकता है सर, कि अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले ले, आगे बात सुनिए, तो हमारे ये कट सकता है, दैट मीन्स 1/v log, ये हम रफ वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, 1/v log v, तो हमारे ये एज इट इज़ रहेगा,
वन अपॉन वी लॉग वी माइनस वन, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर आप बात समझो, यहाँ पर आप बात समझो, इज इक्वल टू, देखो हमने क्या कर लिया, इज इक्वल टू, सॉरी नहीं इज इक्वल टू नहीं, इन टू कर लिया, ये तो हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। इस वाले भी हमने केवल इस वाले टर्म को लिखा है ना, इस वाले टर्म को लिखा है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो एक स्टेप हम देखो कट कर रहे हैं, या फिर चलो एक स्टेप नहीं कट कर रहे हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या बचेगा। अब यहाँ से जो वन है वो आ गया माइनस में, ये जो लॉग भी हो गया प्लस में, तो देखो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा लॉग वी, और ये जो वन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में, माइनस का वन अपॉन, देखो कितना हो जाएगा अपॉन, आपके पास हो जाएगा, ये होगी बैटरी लो। अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा ये आपके पास मिल जाएगा वी लॉग और वी लॉग वी माइनस वन। अब सही, देखो हमने इसे कट कर लिया तो ये हमारा कट हो गया, देखो कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया वन अपॉन वी लॉग वी माइनस वन और माइनस का वन अपॉन वी, बोलो ये बचेगा। इसका मतलब ये, अब हम इसका देखो आसानी से कर सकते हैं, कैसे, हमने कहा कि सर जहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू होगी टू लॉग वी माइनस, टू लॉग वी अपॉन वी लॉग वी माइनस वन होगा, इसकी जगह हम ये वाली पूरी पूरी वैल्यू रख देते हैं, रख दी जाए यहाँ पर। चलो देखो ध्यान से देखना, ठीक है, रख देते हैं इसको उठा करके, मैं यहाँ पर रख देते हैं, देखो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू लॉग भी, हमें देखो कितना रखना है, हमें रखना है, देखो हम इसको अलग अलग रख देते हैं, दैट मीन्स हम ये कर देते हैं वन अपॉन वी लॉग वी माइनस वन डी वी, बोलो ठीक है, और माइनस वन अपॉन वी डी वी, माइनस वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स, ये तो होगा, बोलो ये बात समझो, बात समझो थोड़ी सी, देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको, ये जो है ना वैल्यू, इसकी पूरे की जगह हम ये रख दें, ठीक है, तो इस पूरे का तो डी वी लेंगे ना, इस पूरे का हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इस पूरे का ऐसे हम डी वी लगा दिए, इस पूरे का डी वी मतलब इसका भी डी वी, इसका भी डी वी, आगे बात समझ, हाँ जी अब आगे बात समझ, है ना। ओके अब देखो, अब हम इसका आसानी से देखो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से देखो कर सकते हैं, कैसे, तो क्या किया जाना चाहिए, बात समझो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आसानी से इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर ये कि वन अपॉन वी लॉग वी माइनस वन है, तो हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा लेट, बात को समझो, लेट लॉग वी माइनस वन इज इक्वल टू मान लेते हैं टी, तो लॉग वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लॉग वी वन अपॉन वी डी वी माइनस वन का करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू डी टी, यानी कि अब देखो यहाँ बात तो समझो, वन अपॉन वी डी वी दिख रहा है, वन अपॉन वी डी वी इसकी जगह क्या रख देते हैं डी टी, क्लियर है बात, क्लियर है बात, तो देखो क्या रख दिया जाए डी टी अपॉन, अब देखो लॉग वी माइनस वन, लॉग वी माइनस वन की जगह हमने क्या रखा है टी, क्लियर हो गई बात, माइनस वन अपॉन वी, तो वन अपॉन वी का जब अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लॉग वी, बोलो यही तो मिलेगा, और इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का करेंगे क्या मिलेगा लॉग एक्स, अब देखो वन अपॉन टी है, इस वन अपॉन टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, अच्छा यहाँ पर लॉग सी भी लगा दो, ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो इसका भी, वही आपको मिल जाएगा फर्दर, आप चाहो तो इसके बाद जो है कर लेना लॉग सी लगा लेना, वन अपॉन टी का हमें करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो लॉग टी, अब हम टी तो रखने वाले नहीं है, टी की जगह देखो हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे टी की जगह हम लोग रखेंगे लॉग वी माइनस वन, समझ गए, टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे लॉग वी माइनस वन, यही तो रखेंगे ना, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास ये लॉग टी आया, और टी की वैल्यू देखो हमने क्या रख दी, टी की वैल्यू हमने रख दी लॉग वी माइनस वन, वी माइनस वन, ठीक है, सही है ना, क्योंकि एक मिनट ये माइनस वन ऐसे नहीं रहेगा भाई, ये लॉग वी है, हाँ ये थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये लॉग वी एक साथ है और माइनस वन अलग है, तो लॉग वी और माइनस वन ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये अभी हमने किसकी वैल्यू रखी है लॉग टी की, फिर देखो क्या, फिर माइनस का लॉग वी है तो लॉग वी हमने रख दिया, इज इक्वल टू इधर है लॉग एक्स तो लॉग एक्स रख दिया, इधर है लॉग सी तो इधर हमने लॉग सी रख दिया, बोलो ये बात सही है, अब देखो क्या कर लिया जाए, अब देखो क्या कर लिया जाए, अब हम क्या कर लेते हैं कि हम जो इसकी वैल्यू है दैट मीन्स यहाँ से हम जो है ना लॉग लॉग, यहाँ भी देखो यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग, देखो लॉग एम लॉग, बात को समझो, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू, देखो फिर लॉग एम प्लस लॉग एन, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, लॉग एम अपॉन एन, इसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम का मतलब कि देखो कितना हो जाएगा लॉग वी माइनस वन अपॉन वी इज इक्वल टू, यहाँ देखो लॉग एम प्लस एन है तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, दैट मीन्स लॉग एम इंटू एन का मतलब क्या हो जाएगा लॉग
सी एक्स हो जाएगा, बोलो यही तो होगा इज इक्वल टू। देखो अब फर्दर देखो हम क्या करें, इस लॉग हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो देखो फाइनली हमारे पास क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास बचा लॉग वी माइनस वन अपॉन वी इज इक्वल टू, सॉरी ये लॉग नहीं रहेगा, लॉग हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा केवल और केवल सी एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस सी एक्स को देखो फर्दर, यहाँ से चाहो तो आप इस v की वैल्यू रख दो, रखनी ही पड़ेगी, चाहना क्या है रखना ही पड़ेगा, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो लेकिन रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम इस v की वैल्यू को रख दे रहे हैं और c को देखेंगे, अगर ट्रांसफर होना होगा तो कर देंगे, नहीं होना होगा तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही आंसर। ठीक है चलो, तो v की वैल्यू रख देते हैं, तो v की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी पड़ेगी, v इक्वल में रखना पड़ेगा y बाई एक्स। ठीक है तो देखो कितना हो जाएगा लॉग, ये आपके पास हो जाएगा वाई बाई लॉग, और ये देखो ये हो गया आपके पास लॉग, और यहाँ पर हम v की वैल्यू देखो क्या रख दें, हम v की वैल्यू रख देते हैं वाई बाई एक्स, और ये माइनस का वन इज इक्वल टू लॉग, एक मिनट यार ये लॉग हम क्यों बार बार ले ले रहे हैं, दिमाग मेरा जो है भी कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो गया है शायद, शायद ऐसा नहीं है, देखो सी एक्स। ठीक है अब चाहो तो आप जो है चाहो तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या कर दिया ऐसे ही छोड़ दो, देख लो एक बार आंसर चेक कर लो, मे भी इसी तरीके से कुछ आंसर दिया हुआ है, देख लो चेक कर लो, हो गया ही आगे भाई, ये बात आपको समझ में आ गई कैसे करना है। ठीक 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 चलो क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, आ रही मेरी बात समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल।